अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर एडिटर BS16 का पेपर 2017 का पार्ट फोर। तीन पार्ट पहले जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, कंकरेंट ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ। कंकरेंट ऑडिट जो है वो किसका पार्ट है? वो कंटिन्यूस ऑडिट का। तो कंकरेंट ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट जो हैं वो बैंक्स में होते हैं। कंकरेंट ऑडिट क्या है? कंकरेंट ऑडिट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड टाइमली एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू इंश्योर एक्यूरेसी। ये एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जो कि एक्यूरेसी को चेक करता है, अथेंटिसिटी, और उसकी वो अथेंटिसिटी है या नहीं उस ऑडिट में उसको चेक करता है, कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, और लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करता है और उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूस ऑडिट या कंकरेंट ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 62 है, द स्टेचुरी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू। स्टेचुरी ऑडिट के जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसका ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट किसको सबमिट करवाता है? तो वो कराता है कंपनी सेक्रेटरी को। तो जो स्टेचुरी ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कंपनी सेक्रेटरी को। द स्टेचुरी ऑडिट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन ऑर्डर टू वॉच विच ऑफ द एक्सपेंस द ऑडिटर विल एग्जामिन बिल ऑफ एंट्री। तो वो कौन सा है वॉचिंग में ऑडिटर किस चीज़ को पहले एग्जामिन करता है? तो वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी है क्या? कस्टम ड्यूटी इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। जो टैक्स इम्पोज किया जाता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो वॉचिंग में सबसे पहले एग्जामिन किया जाता है कस्टम ड्यूटी को। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हेन काउंटिंग कैश ऑन हैंड द ऑडिटर शुड बी। कैश ऑडिटर जो है वो कैश कब काउंट करते हैं? तो वो इंश्योर पोस्टेज एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स आर नॉट काउंटेड इन फिजिकल काउंट। तो जो पोस्टेज और स्टैम्प रेवेन्यू है वो क्या करते हैं ऑडिटर? उसको फिजिकल काउंट नहीं करते। तो कैश ऑन हैंड शुड बी मैच्ड विद द फिजिकल कैश अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कैश इन हैंड है वो मैच करते हैं जो कैश अवेलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। पोस्टेज एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स आर टू बी कैप्ट सेपरेटली। जो पोस्टेज और स्टैम्प रेवेन्यू जो होता है उसको सेपरेट ट्रीट करते हैं, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कैश ऑन हैंड, और कैश ऑन हैंड जो है उसका पार्ट नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंट्रोल रिस्क इज असेस्ड एट। कंट्रोल रिस्क जो है वो असेस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शन लेवल पे। तो कंट्रोल रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजर्शन लेवल पे चेक किया जाता है। कंट्रोल रिस्क होता क्या है? कंट्रोल रिस्क शुड बी असेस्ड एट द मैक्सिमम लेवल फॉर रेलिवेंट अजर्शन। ये जो मैक्सिमम लेवल पे जाके जो रेलिवेंट अजर्शन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उस पे जाके चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेपरेट लीगल स्टेटस इज नोन एज। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एक अलग कानूनी हैसियत होती है वो कौन सी होती है? लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी जो है वो है क्या? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर काम करती है। इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटीज की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटीज कानूनी हैसियत अलग से होती है, क्योंकि इस पर अगर कोई एलिगेशन हो, कोई केस हो, तो वो डायरेक्ट कंपनी में होता है, ना कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसके शेयर होल्डर्स पे केस नहीं किया जा सकता, वो कंपनी के पे ही होता है, इसलिए कि इसकी एक अलग कानूनी हैसियत है और ये आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर काम करती है, और इसकी अलग से एक सील होती है, स्टैम्प होती है, और इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसकी लाइबिलिटी उसके एसेट्स की हद तक लिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इफ़ द प्रॉफिट इज़ 1/4 ऑफ द सेल्स देन इट इज़। अगर प्रॉफिट 1/4 ऑफ द सेल हो तो 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट 1/4 हो तो वो क्या होता है? 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस।
तो 1/4 × 100 इज इक्वल टू 20%। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/4 20% हुआ, देयर फोर इट इज़ 20%। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो 75% + 25% कॉस्ट 75% हो और प्रॉफिट 25% हो तो सेल्स प्राइस 100% हुई, सो 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 68 है, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जाम्पल देनी है, तो वो क्या है? डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिविडेंड पेड जो है वो यूज़ होता है। रिसीविंग कैश फ्रॉम इशूइंग डेट, जो कैश रिसीव होता है जो इशूइंग डेट और पेइंग डाउन डेट, जो डेट को मतलब पे आउट किया जाता है उसका, पेइंग कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स या कैश डिविडेंड की शक्ल में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, वो क्या होता है? डिविडेंड पेड। क्वेश्चन नंबर 69 है, डिबेंचर्स आर अ कंपनीज लाइबिलिटी। जी डिबेंचर्स क्या होते हैं? कंपनी की लाइबिलिटी होती हैं, ये पैसे फंड्स इकट्ठे करने के लिए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो डिबेंचर्स होते क्या हैं? डिबेंचर इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय लार्ज कंपनीज। ये मीडियम या लॉन्ग टर्म डेट के लिए इस्तेमाल होता है और ये बड़ी कंपनियों में मतलब ऐसा करती हैं टू बोरो मनी, जो फंड्स हैं वो उधार लेने के लिए, एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के तौर पर लेती हैं। तो डिबेंचर्स क्या हुए? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नेवर अपीयर इन द आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे अपीयर नहीं हो सकते? तो वो हैं डिविडेंड्स, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी ये दोनों, और इनकम टैक्स एक्सपेंस। इसमें डिविडेंड और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो होते हैं वो अपीयर नहीं हो सकते, जबकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो बैलेंस शीट का है तो ये हो सकता है बैलेंस शीट में जाके। तो ए एंड सी आर द राइट आंसर। द रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम समरी एंड ऑनर्स ड्राइंग अकाउंट्स विल नॉट अपीयर ऑन अ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जी रेवेन्यू एक्सपेंस और इनकम जो होती है वो ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद चेंज नहीं किए जा सकते, सिंस दीज अकाउंट्स विल नॉट कैरी अ बैलेंस आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड हैज़ एंडेड, जब अकाउंटिंग पीरियड जो है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो ये क्या है? बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली इज ला लीस्ट इम्पोर्टेंट एज अ मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो लीस्ट इम्पोर्टेंट जो है आइटम वो क्या है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जी द ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो इज़ अ मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनी कैन पे डाउन इट्स करंट डेट्स। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी फाइंड आउट की जाती है कि कंपनी जो है अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में है या नहीं, या उसके पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं विद कैश जनरेटेड इन द सेम पीरियड, और उसने कैश कितना जनरेट किया उस सेम पीरियड में। द रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बाय द करंट लाइबिलिटीज़। तो रेशियो कैसे जो है वो फाइंड आउट की जाती है? डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो को करंट लाइबिलिटीज़ पे। तो इसका राइट आंसर है डी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड बी मोस्ट लाइकली यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करता है? तो वो है मैक्रोन फ्रोजन और ऑरेंज जूस। तो प्रोडक्शन कंपनीज जितनी भी होती हैं मोस्टली वो क्या कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे? वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ कर रही होती हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ अ टर्म यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग टू डिस्क्राइब वन मेथड फॉर कलेक्टिंग एंड असाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि कलेक्शन और असाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टू द यूनिट्स प्रोसीजर प्रोड्यूस्ड। तो जब यूनिट प्रोड्यूस हो रहते हैं तो उनके साथ कॉस्टिंग भी हो रहती है हर मरहले पे। तो ये जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती हैं प्रोसेस कॉस्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 73, गुडविल शुड बी क्लासिफाइड एज। गुडविल को हम क्या कहते हैं? वो होता है इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर। जिसकी फिजिकल कोई हैसियत नहीं होती। गुडविल, इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, गुडविल, ब्रांड रिकग्निशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट आर ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। तो जिनकी कोई फिजिकल हैसियत नहीं होती तो इसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो वो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। 74 है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं और जिनकी प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, उसके हकूक होते हैं, वो हैं डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या है? बोथ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दोनों ही क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ प्रेफर्ड स्टॉक। तो प्रेफरेंस शेयर का क्या होते हैं? रेफर टू प्रेफर्ड स्टॉक। तो प्रेफर्ड जो स्टॉक है वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो हैं लोगों को दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? बोथ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डिसाइडिंग ऑन क्लाइंट इवेल्यूएशन इज टू। जो उसका प्राइमरी पर्पज है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज का और उसका प्रोसीजर्स जो है डिसाइडिंग क्लाइंट इवेल्यूएशन, वो कौन सा है? इंश्योर अधेरेंस टू जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट स्टैंडर्ड्स। कि उसमें ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक्सेप्टेंस और रिटेंशन, क्लाइंट हुज मैनेजमेंट डज नॉट लेक इंटेग्रिटी, जिसमें इंटेग्रिटी पुख्तगी की कमी ना हो उसको भी क्या कहते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योर ऑडिट फी इज चार्ज, के ये इंश्योर करते हैं कि ऑडिट फी जो है वो चार्ज कर दी गई है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑडिट। ऑडिट जिस किस्म का ऑडिट परफॉर्म हो रहा है, वर्क असाइंड, तो जो जिस किस्म का ऑडिट परफॉर्म हो रहा है उसकी इंश्योर कर लेते हैं कि ऑडिट फी चार्ज हो गई है। तो इसमें ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे काम जो हैं उसका प्राइमरी पर्पज है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो क्या है? सब्सटेंटिव टेस्ट डिजाइन टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सब्सटेंटिव टेस्ट जो होता है उसका रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो वो क्या होता है? इसका एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है द राइट आंसर इज सी, नन ऑफ द अबव जो है वो वैसे ही हाईलाइट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। एनालिटिकल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रॉड एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग द बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। तो ये शो एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा जो है उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन सा सेक्शन है जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन को शो करता है? वो सेक्शन 226 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 226 सबसेक्शन 2। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 141 इंटू 1, सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 भी जो है इस प्रोविजन को फुलफिल करता है द कंपनीज एक्ट 2013 में। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो वो जो है इन चीज़ों को फुलफिल करे वो कंपनी का ऑडिटर बनने के अहल होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू। नेट प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बी है ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सी है सेल्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बोथ ए एंड बी जो है वो राइट आंसर्स हैं, क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें तो फिर भी नेट प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल आता है उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें तो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता, नेट प्रॉफिट निकल आता है, सॉरी।
तो नेट प्रॉफिट जो है वो इस दो तरीकों से निकल सकता है, जो ऊपर ए और बी में दिए गए, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स इन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज। सेल्स जो है ज़्यादा हो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स की, तो उसको क्या कहते हैं, फिर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड होता है, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोज ग्रॉस प्रॉफिट अर्न इन एन अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट अर्न किया गया है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। तो राइट आंसर है बी, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 80 है, इफ मोटर वैन कॉस्ट ₹12,500, इट्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ₹4,200। अगर एक वैन की कॉस्ट 12,500 और उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,200, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इज 2,500 और डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कीजिए 2,500, व्हाट विल बी इट्स बुक बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो जब एसेट्स जो है वो टोटली डेप्रिसिएट हो जाएगा साल के एंड पे, तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, तो 12,500 में से पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की जाती है, उसके बाद करंट जो है वो डेप्रिसिएशन लेस की जाती है, एंड देन बुक वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, वो है ऑप्शन सी इज 5,800, सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारे साथ रहें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।